हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर करना। तो शुरू करें। आज हम बनाने वाले हैं ब्लूमिंग ऑनियन। मैं इसे कहती हूँ फ्लावर ऑनियन पकोड़ा। आपको इसे क्रिस्पी और परफेक्ट फ्लावर तरह बनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई टिप ना मिस करें। मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिया है। सबसे पहला प्याज को छील कर इस तरह क्लीन करना है। ऊपर की तरफ ही काटना है, दूसरी तरफ इसे ऐसे ही रखना है। इस तरीके से मिडिल में काट लेंगे। इसे हमें कम्प्लीटली नहीं काटना है। देखिए मैंने कट किया है, लेकिन इस तरफ इसमें जॉइन है। इसे फ्लावर की तरह बनाने के लिए हम इस तरह धीरे से ऑनियन को सेपरेट करेंगे। सेंटर में इस तरह काट के निकालेंगे। इसी तरह हमें बचा हुआ प्याज को कट करना है फ्लावर के जैसा। 4 ऑनियन का फ्लावर रेडी है। अब पकौड़े का प्रोसेस देखेंगे। एक बाउल में 4 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी डालेंगे और नमक। इसे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छी तरह मिलाएं। इसे हम साइड पे रखेंगे। दूसरी बाउल में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, नमक डाल के मिलाएंगे। इसमें धीरे धीरे से पानी डाल के इस तरह बैटर बनाएंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसे लो से मीडियम फ्लेम में ही हम रखेंगे। तब तक हम प्याज को पहला बनाया हुआ मैदे से अच्छी तरह कोट करेंगे। इस तरह एक एक पेटल के बीच में डालेंगे। इस तरह एक्सेस मैदा को निकाल लेंगे। अब इसे कॉर्नफ्लोर बैटर में डाल के पूरी तरह कोट करेंगे। अब फिर से मैदे के बॉल में डाल के कोट करेंगे। अब इसे गरम तेल में डाल के गोल्डन ब्राउन आने तक फ्राई करेंगे। यम्मी क्रिस्पी ऑनियन तैयार है। दोस्तों, कैसा लगा आज का रेसिपी? ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।